हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आ गए हैं हम नए आयुर्वेदिक टैबलेट्स को लेकर के। सो आज का जो टैबलेट्स है वो है गिलोय घनवटी। गिलोय मेरे पास जो है वो पतंजलि का है, कहीं डाबर का आएगा, हिमालय का आएगा। सो जो भी प्रोडक्ट्स के आए अच्छे से, जो भी अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आए आप उसको ले सकते हो। तो इस टाइम क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है और कोविड के टाइम पर इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बाज़ार में बहुत बुरी तरह से गंदगी फैला रखा है। लेकिन जो सो सही मायने में इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं वो बहुत ही कम मेडिसिन हैं। सो गिलोय एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर अगर किसी को एक हर्बल प्लांट है, अगर आप इसको टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको जूस के फॉर्म में ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। और अगर सबसे अच्छी बात, अगर आपके घर पर ही अवेलेबल है गिलोय का प्लांट, तो इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। इसका काढ़ा बनाइए और पीजिए, इससे ज़्यादा कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। सो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसका जो आपको लॉन्ग टर्म सर्दी खांसी जुखाम जिनको होता है उसको ट्रीट करने में इसको काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है और काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। और फीवर वीवर में भी ट्रीट करने में आपको मदद मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, इसको खाएंगे तो आपका जो सर्दी जुखाम का ये सब का जो अभी इस टाइम पे जो चीज़ चला हुआ है कोविड के वजह से, या आपका जो लॉन्ग टर्म जितने भी आपकी सर्दी खांसी रहती है, ये सब को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है गिलोय धनवटी। लेकिन इसको आप थोड़ा एक महीने दो महीने आपको इसको लेना होगा, उसके बाद ही इसके अच्छे असर आएंगे। और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। और इसमें तकरीबन 100 टैबलेट्स हैं। तो इसको आपको लेना है। और इसको कैसे लेना है, तो इसको फिजिशियन के आप रिकमेंडेशन पे लेंगे, या फिर एक टैबलेट आप डेली लीजिए, या फिर एक दो टैबलेट को आप डेली ले सकते हैं। सो यही है इसका गिलोय का फ़ायदा। और इसका जो मेन फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इस बॉडी में जाता है, इम्यूनिटी को हेल्प, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर इम्यूनिटी को हेल्प बढ़ाने में हेल्प करेगा तो जो डिजीज़ होंगे उसको ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा।